अच्छा यार, ये वीडियो जो है वो थोड़ी सी डिफरेंट अंदाज की है, ठीक है, और हमें टाइम का बड़ा मसला बना हुआ है और ये वीडियो भी ज़रूरी है और आपको हमारे पीछे शोर भी सुनाई दे रहा होगा, सुन सकते हैं। तो सबसे पहले तो शोर को कम कर लेते हैं थोड़ा सा। तो ये अब शोर जो है वो कम हो चुका है, ठीक है। ये जो है वो हमारा सॉफ्टवेयर है, उसके अंदर सारी सेटिंग मौजूद पड़ी है, लेकिन ये कुछ अभी प्रॉब्लम में भी है। चलें, खैर, हमारी जो आज की वीडियो है वो अडोब एडिशन पे है, ठीक है। अडोब एडिशन की कुछ सेटिंग कुछ मैं करूँगा, कुछ ये मेरे दोस्त बैठे हुए हैं साथ में, वो मिल के करेंगे ताकि ज़रा आसान आसान चीज़ें समझ में आ जाएँ। सबसे पहले तो हमारा रिकॉर्डिंग का सेटअप है, ठीक है, कि हमने इसमें रिकॉर्डिंग कैसे करनी है। तो बैलेंस ऑडियो को यहाँ से सेट कर लेना है। ओके, हो गया। तो यहाँ से अब स्टार्ट करते हैं रिकॉर्डिंग, वापस करें यहाँ। अस्सलामु अलैकुम व्यूअर, आज मैं आपके लिए एक ऐसी वीडियो लेकर हाज़िर हूँ। यह मैं आपको चेक कराने के लिए कर रहा हूँ और वैसे मेरा कोई इरादा नहीं है बनाने का, तो ये आपको चेक करवा रहा हूँ सिर्फ रिकॉर्डिंग करवा के। जैसे कि ये मैंने रिकॉर्डिंग कर दी है और ये आप पहले सुन लीजिए। अस्सलामु अलैकुम व्यूअर, आज मैं आपके लिए एक ऐसी वीडियो लेकर हाज़िर हूँ। ये ये यानी मैं कि आपको आपको चेक सादा कराने के आवाज़ लिए कर नज़र रहा आ रही हूँ। है, और यहाँ पे जो है ना एक और चीज़ दिखा देता हूँ कि यहाँ पे थोड़ा सा ना हमारे पास शोर इस वक्त बहुत ज़्यादा है, तो अब यहाँ पे वीडियोस बनाने का कुछ ज़्यादा मज़ा आएगा। यहाँ से ये देखिए, मैं यहाँ से रिकॉर्डिंग स्टार्ट करता हूँ, तो ये रिकॉर्डिंग स्टार्ट होगी। अब मैं खामोश हो जाऊँगा तो शोर देखना। तो ये देखें, इस सॉफ्टवेयर की मदद से जो है वो मेरा शोर जो है वो कंट्रोल हो चुका है, ठीक है। तो ये डबल माइक की वजह से प्रॉब्लम कर रहा है, अगर सिंगल हो ना तो फिर नहीं इतना करता, ठीक है। जहाँ से जिसको सेट कर दे, सिर्फ ऑडियो निकाली हो तो चलें। खैर, इसको मिनिमाइज करते हैं। अब इस पे जो है इफेक्ट्स वगैरह की कुछ जो तरतीब है वो दिखाते हैं आप लोगों को। सबसे पहले तो इफ़ेक्ट इधर से निकाल लेना है। सबसे पहले जो मैं खुद के लिए यूज़ करता हूँ वो मैंने कुछ तैयार भी किए हुए हैं इफ़ेक्ट, तो वो मैं पहले आपको लगा के दिखा देता हूँ कि हमारी वीडियो कैसी बनती है। अस्सलामु अलैकुम व्यूअर, आज मैं आपके लिए और मैं आपको एक ही चीज़ और बताता हूँ। ये आपको जो हमारी आवाज़ हम रिकॉर्ड कर रहे थे, हम बीच में ठहर जाते हैं, वो ठहरा हुआ वक्त जो है बीच में रुक जाता है, तो ये भी काटने के लिए इसमें ऑप्शन है कि आप इसको रिमूव कर सकते हैं। ये मैं आपको रिमूव भी करके दिखाता हूँ। ये इसको यहाँ से राइट पर क्लिक करके ये डिलीट कर दिया, ये ऐसे रिमूव होता कीबोर्ड है। पे भी बटन है, ठीक है, उसका भी इस्तेमाल किया जा सकता है। कीबोर्ड की मदद से अगर हम डिलीट करना चाहें तो कीबोर्ड पे जैसे एरिया सेलेक्ट करना है, या फिर कह लें कि कुछ दरमियान से वॉइस ख़राब हो जाती है, जैसे कि आप मिसाल यहाँ से कह लें कि ये पीस ख़राब आज है, मैं आपके लिए एक ऐसी वीडियो लेकर आ यही कह लेते हैं कि आज मैं आपके लिए एक ऐसी वीडियो लेके आया हूँ, ये पीस नहीं समझ में आता, डिलीट किया तो डिलीट हो कर गया। हाजिर हूँ। ये मैं आपको चेक कराने के लिए कर रहा हूँ और वैसे मेरा कोई इरादा नहीं है बनाने का। ये देखें, इस सॉफ्टवेयर की मदद से जो है वो मेरा शोर जो है वो कंट्रोल हो चुका है। ये देखें, इस सॉफ्टवेयर की मदद से जो है वो मेरा शोर जो ये तो डायरेक्ट इफेक्ट लगाता है, इतना नहीं से लगाना। अच्छा जी, इन सब को मैं बंद करता हूँ। यहाँ से इफेक्ट पे जाना है और यहाँ से आपको पोस्ट कार्ड वॉइस का ऑप्शन मिल जाएगा, उस पर आपने क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये आपकी जो है वो पोस्ट कार्ड जो है वो हो जाएगी। तो ये देखें, इस सॉफ्टवेयर की मदद से जो है वो मेरा शोर। अच्छा, उसके बाद यहाँ से जो है वो आपको काफ़ी ऑप्शन मिल जाएंगे, लेकिन आपने यहाँ से जो है वो फ़िलहाल अगर ये पोल्ट्रीज वगैरह के लिए इस्तेमाल करनी है तो यहाँ से स्टूडियो और वब का जो है वो आपने इस्तेमाल करना है, और यहाँ से ये ग्रेट हाल पे सेटिंग बनी पड़ी है काफ़ी हद तक, तो मज़ीद थोड़ी बहुत चेंजिंग करनी है, वो बताता हूँ कैसे करनी है। तो ये देखें, इस सॉफ्टवेयर की मदद से जो है वो मेरा शोर जो है वो कंट्रोल हो चुका है, ठीक है। और इसके अलावा आपने हल्की फुल्की ये कर डबल हाल माइक की बड़ा वजह से कर प्रॉब्लम देना कर रहा है। है, अगर सिंगल हो ना तो फिर नहीं इतना करता, ठीक है। जहाँ से जिसको तो ये डबल माइक की वजह से प्रॉब्लम कर रहा है। अगर ये हाल बड़ा करना है, आपने साउंड ज़्यादा करना है इसका, तो आप इधर से ये हाल भी बढ़ा सकते हैं, साइज़ बड़ा कर सकते हैं इसका, तो इससे आपकी आवाज़ जो गूंजेगी। उसके अलावा भी आप ये दो चीज़ें और हैं, ये बैलेंस वगैरह इसका ये भी कर सकते हैं।
इससे आपकी आवाज़ और रहा है, अगर सिंगल हो ना तो फिर नहीं इतना करता, ठीक है, जहाँ से जिसको सेट करके सिर्फ ऑडियो निकालनी हो तो। इसमें आपकी पोल्ट्री जो है वो बेहतरीन बनती है, ये इफेक्ट आपको किसी ने नहीं बताया होगा, ये हमारे चैनल पे आपको दिखाया जा रहा है। ओके, थे दसा जा रहा है, कहीं ने कई लोगों ने यार बताया होगा, ठीक है, टेंशन नहीं लेनी, इसमें और भी काफ़ी चीज़ें हैं, उनका भी इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक है, यहाँ पे आपको, ठीक है, इको वगैरह के फ़िल्टर, नॉइज़ वगैरह के, ठीक है, डिले वगैरह के, ये देखें नॉइज़ डिटेक्टर, इनके भी अगर ये ऑटोमेटिक या ये चीज़ें इस्तेमाल करनी, ये सब कुछ यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है, इसलिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ से ये देखें, अभी थोड़ी सी चेकिंग करते हैं, माइक की वजह से प्रॉब्लम कर रहा है, अगर सिंगल हो ना तो फिर नहीं इतना करता, ठीक है, जहाँ से जिसको सेट करके सिर्फ ऑडियो निकालनी हो तो। चलें, खैर, इसको मिनिमाइज, यहाँ से ये देखें इनकी जो है वो लाइट मीडियम, तो यहाँ से मैं इसको लाइट करता हूँ, करते हैं अब इस पे जो है वो इफेक्ट वगैरह की कुछ से जो तरतीब है वो दिखाते हैं आप लोगों को, ठीक है। तो ये काफ़ी इसमें इफेक्ट्स पड़े हुए हैं, लेकिन ये आपने जो है वो पोस्ट कार्ड वाइस और ये स्टूडियो वर्क से भी आपकी जो है ना वो काफ़ी बेहतर हो जाएगी। अच्छा, उसके बाद यहाँ से अब डायरेक्ट नहीं सेव करना, यहाँ पे नीचे जो है वो अप्लाई का ऑप्शन होगा, ठीक है, अप्लाई पे क्लिक करना है। और इसमें एक चीज़ तो बताना भूल गया, चले कोई मसला नहीं, मैं दोबारा रिटर्न ले लेता हूँ, ये अप्लाई हो गया मेरा। यहाँ से अगर कुछ चीज़ें आपने म्यूट करनी है, ठीक है, तो ये म्यूट हो सकती हैं, क्रॉप करना है तो क्रॉप हो सकता है, साइलेंट करनी है तो साइलेंट हो सकती हैं, ठीक है, ये सारे इसमें जो है वो राइट क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ से मिल जाएंगी सेटिंग्स। तो उसके बाद आपने फाइल पे जाना है, और इसकी एक ऑडियो की सेटिंग में वो लास्ट में आपको बताता हूँ कैसे करनी है। सेव पे जाना है, और यहाँ से ये देख सकते हैं, यहाँ से जो आपने जगह सेलेक्ट करनी है, या ये मेरी हो चुके डॉक्यूमेंट्स में जा रही है फाइल, ठीक है, आपने यहाँ से अगर कोई अपनी पसंद की जगह सेट करनी है तो वो कर लें। यहाँ से मैं MP3 करता हूँ, यहाँ से ये 320 कर दिए, ठीक है, तो ये दूसरी भी रहेगी तो कोई मसला नहीं, ओके करना है, और उसके बाद यहाँ से यस कर देना, ये मेरी जो है वो ऑडियो सेफ हो गई है। अच्छा, अब इसकी जो है वो ऑडियो की बात कर लें कि ऑडियो कहाँ पे है, तो यहाँ पे जी आपको जो है वो इसकी परफॉर्मेंस जो है एडिट में परफॉर्मेंस नज़र आएगी, यहाँ पे ऑडियो हार्डवेयर का आपको ऑप्शन नज़र आएगा। अक्सर औकात ये होता है कि आपका माइक लग जाता है, लेकिन ये जो है वो सॉफ्टवेयर इसको एक्सेप्ट नहीं करता, ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर अगर डबल माइक हो, लैपटॉप में अक्सर होता है, एक लैपटॉप का माइक होता है कि हम एक्सटर्नल माइक यूज़ करते हैं, या फिर कह लें कि माइक कुछ प्रॉब्लम करता है, तो यहाँ से जो है इनकी सेटिंग करनी है आपने, जो आपका माइक है एक चलता है, दूसरा चीज़ों को चेंज करके उसके बाद जो है वो आपने ओके कर लेना है। मैं यहाँ से कुछ नहीं कह सकता कि कौन सा रखना है कौन सा नहीं रखना है, क्योंकि हर के पास माइक मुख्तलिफ है और ऑप्शन मुख्तलिफ हैं, तो यहीं पर वो आपको मिल जाएंगे, ठीक है, जहाँ पर वो ओके करना है। ओके करने के बाद यहाँ से ऑडियो लगा के चेक करनी है, तो जैसे ही आप ऑडियो लगाओगे तो ये देखिए मेरी ऑडियो के ऊपर ऑडियो रिप्लेस हो रही है, ठीक है, इसी तरीके से अगर कुछ गलतियां हो भी जाएं तो उसको भी क्लियर किया जा सकता है। अच्छा जी, अब इसके पॉइंट गिन लें, इसको अगर ख़त्म करना है तो यहां से क्लोज़ कर सकते हैं, ठीक है, अब गौर करना है, ठीक है, हमारे पास कौन कौन से पॉइंट है, नंबर एक रिकॉर्डिंग, ठीक है, लगा ली, ओके हो गया, स्टॉप किया, कुछ कट पेस्ट किया, वो हो गया दो नंबर पर, तीसरे नंबर पे हमने जो है वो अगर जैसे ही हमने ये पोस्ट कार्ड और दूसरा फिल्टर यूज़ किया था, यहाँ पे जो सेटिंग हुई होगी लास्ट अप्लाई पे, ठीक है, वहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिक हो जाएगी, दो हो गया, तीसरा अप्लाई, तीन हो गया, और चौथा जो है वो सेफ अस, ठीक हो गया, और यहाँ से जो है वो पाँचवा जो है वो MP3, ठीक है, सॉरी MP2 हो गया, ठीक है, MP3, और जगह सेलेक्ट नाम, ठीक है, और ये छठा जो है वो सेफ, बस ये छः चीज़ें आपको, और सातवीं जो लास्ट और ज़रूरी है वो ये इसकी जो है वो सेटिंग है ऑडियो हार्डवेयर की, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, ये अक्सर जो है वो बग्स वगैरह आते रहते हैं तो यहाँ से सेट करनी होती है। ये सात चीज़ों को समझना है और अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह ताला, ये सॉफ्टवेयर पे आप जो है वो काफ़ी हद तक अपनी जो है वो कह लें कि कुछ ना कुछ बेहतरी ले आ सकते हैं। इसमें इफ़ेक्ट्स अगर बात करें तो ये इफ़ेक्ट्स इसमें बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है, जितना कहें उतना कम है, और मज़ीद भी इसमें ऐड किए जाते हैं, ठीक है, ये देखें ऐड प्लगिंग मैनेजर, तो यहाँ से अगर ऐड वगैरह भी करने हो तो ये ऐड भी हो जाते हैं, इसलिए इसलिए की टेंशन नहीं है। ये जिस तरीके से हमने वो अडोब फोटोशॉप में या फिर कह लें कि इनपेज 3 में ये चीज़ें ऐड की हैं, इसमें भी सब ऐड के ऑप्शन मौजूद हैं। अच्छा जी, अब ना एक थोड़ी सी इसका थोड़ा सा वॉइस का भी हो जाए इस वीडियोज़ में, अब करिए, तो यहाँ से ये ना इस सॉफ्टवेयर की वजह से प्रॉब्लम बन रही है। माइक से बोल, हेलो 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 हेलो, ये साथ ही वीडियो में मैंने कहा आ जाए ना सेटिंग्स करने का तरीका, ये शोर बहुत ज़्यादा है तो माइक को पता नहीं आज क्या हुआ, भाग रहा है, थोड़ा एक अल्फाज बोलिए।
अखियां करन सवाल नहीं माए, कदी ते पुछ ले हाल नहीं माए, तेरी यादा मेरे वेड़े। अखियां करन सवाल नहीं माए, कदी ते पुछ ले हाल नहीं माए। अगे की थी, चले जो आगे है वो अपनी अपनी सोच है। तो ये कुछ ऑडियो का इससे कंट्रोल हो जाता है, ये अभी थोड़ी सी प्रॉब्लम कर रहा है। तो ये देखें अभी लास्ट पे और यहाँ से अप्लाई। कदी ते पुछ ले हाल नहीं माए, सवाल नहीं माए, कदी ते पुछ ले हाल नहीं माए। तो ये छोटी सी वीडियो थी, और अगर कुछ बात ना समझ आई हो तो कमेंट भी कर सकते हैं, और जो ग्रुप में ऐड हैं तो वो ग्रुप में मैसेज करके अपनी मालूमात जो है वो लेना चाहें ले सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।